हरियाणा के मेवात में 35 वर्षीय व्यक्ति को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतारा पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि नूह जिले के नांगल गांव के पास चल रहे क्रेशर प्लांट पर तिगांव गांव के 35 वर्षीय शरीफ को घर से बुलाकर रंजिश के चलते जानबूझकर कुचलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शव मिला है। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी तो वहां पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पाकर पुनहाना DSP शमशेर सिंह मौके पर पहुंचे। उसके बाद घटनास्थल को लेकर उन्होंने राजस्थान पुलिस को भी मौके पर बुला लिया और काफी देर तक नोहो पुलिस सीमा को लेकर जांच करती रही। जब पुलिस को जांच में पता चला कि घटनास्थल हरियाणा की सीमा में हुई है तो उसके बाद सबको हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पुलिस जांच में जुट गई। बता दें कि मृतक सरी पुत्र सत्तार उम्र 35 वर्षीय निवासी तिगांव ड्राइवर का काम करता था। परिजनों का कहना है कि मृतक सरी को गांव के कुछ लोगों द्वारा क्रेशर प्लांट पर बुलाया। जब मृतक प्लांट पर पहुंचा तो प्लानिंग के तहत गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर पहले तो पिटाई की, जब वह अधमरा हो गया तो डंपर से चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। सबूतों को नष्ट करने के लिए घटना से 1 किलोमीटर दूर शव को फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक व्यक्ति का पंचनामा कराने के लिए मांडीकेड़ा अस्पताल भेज दिया है। पुलिस जांच में जुटकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्राइवर शरीफ की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मीडिया के कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। सबसे खास बात यह है कि क्रेशर प्लांट पर बिना नंबर के डंपर पहाड़ों में अवैध खनन कर बेरोक टोक धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। मकसूद को छोरा ने बुलायो नु करो नसीन गाड़ी खड़ी निजाम सु पीछे वह भर लायो मैं अपनी छोरी वहाँ का बाप चिड़े अनु कहे या का साजे मतरा वह साजे मतरा बहुत कही है भाई। देखो मेरा आदमी मारा है सही मार देना चाहिए मन तो पैसा और भाई उन्हें मारो पकड़ कर गाड़ी के नीचे दियो भाई। और मतलब कोई बात नहीं आई अब जो पहले मैंने बच कही भी यार तुम्हें छोरा समझा कर रखो। और अब से पहले उनने मेरे पर गाड़ी चलाई जब सुरेत कीच में जब भी मैंने सुना मैंने कह रहे छोरा समझा करा कि कई आदमी मार दिए गो हो सक कहा था हमने नहीं कही तब मैं से बिगाड़ दिया कही यार ये छोरा समझाओ कि यार ना हमारा छोर गलत ना चला गाड़ी में चलो गलत ना चला तो पता पड़ जाएगी जब गलत चलाएगा जब पता पड़ जाएगी तुमने। कौन लोग हैं वो जो इस तरीके से चलाते वो एक रसीद को छोरा है जिला नांगल का रहने वाले हैं वे तो वन ने उन पकड़ के नहीं जोर जबरी मारो है कोई गाड़ी को ऐसे कोई सबूत है ऐसा हिसाब चुक ले या हिसाब से आदमी मर सके पेशाब करने को आदमी बैठ रहो है गाड़ी स्टार्ट होगी जब भी पता पड़ेगी कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो रही मैं हट जाऊंगा इस है गाड़ी बंद खड़ी है और जब उन बाद में स्टार्ट कर जब पकड़ कर जब मारो जोर जबरी एप्लाई फोर गाड़ी को लंबर गाड़ी बिल्कुल चोरी की है। क्या नाम है मरने वाले का कितनी उम्र है वह शरीफ नाम है 30 साल की उम्र 30 साल की। कितने बच्चे हैं वह 9 बच्चे हैं। क्या काम करता था वह मतलब यही बस मेहनत मजदूरी अपने। अच्छा अभी वहाँ किस लिए गए थे वहाँ पे गाड़ी चलावे हम मैं भी खुद चलाऊं गाड़ी वे भी तो वहाँ पे जैसे ये बैठे हैं कोई बात ना वह ऐसे मन ना करे आप है कि यार मेरी गाड़ी देख क्यों खड़े चल भाई तेरे देख लूं वह हर एक का एक गाड़ी के नीचे बैठ जाओ पट देर गाड़ी देखने को और लप्पा उस्मान हरे जो ये सब इन्हें पकड़ के नहीं जब दियो टायर के नीचे उन्हें गाड़ी स्टार्ट होएगी मैं पेशाब करने को बैठ रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गए तो जब नू ना पता पड़ेगी अगबे गाड़ी स्टार्ट होगी कोई बंद गाड़ी धड़क सके कोई क्या दुश्मनी थी भाई अल्लाह जाने क्या दुश्मनी क्या ना है इनके जी की इनसे कोई ना है इनने तो अब बढ़ाई है रंजिश अब से पहले इनकी मेरी हुई है मेरी इन कई बात फेंकते ने लुआ उठाई मैंने की चलो छोरी चुआ तो मैंने इनसे कही मैंने बोलो कौन है इनने कही एक बात तेरा नाम ना ले तेरा झूठी उड़ा रहा हम मैंने की चलो झूठी उड़ा रहा तो फिर वह से बाद में यार ये होगो वो होगो जन की एक बकरी मर गई
20,000 रुपये की बकरी चुग दी, फिर भी मैंने हम लड़ाई ना कर भाई। हमने 20,000 रुपये दे के नहीं अपने घर लुआ कहा हूँ से मार के नहीं, और पढ़ लिखा को गांव से परे को जो हमारे गांव के बाड़ान में हूँ पटकने की दुकान पे और आगे अपने घर को बैठो। हमारे पे फिर वो दुकानदार ने इतला करी है भाग के नहीं आयो है, अब भाई त्यारो भाई है और वो हूँ पढ़ो हमारी दुकान पर मार के पटक गए। क्या निशान थे शरीर पे? लाठी इनको है वो तो भाई, अब कुछ लो तो पढ़ो यार, अब हम निशान कहा देख रहे हो। पुलिस क्या कार्रवाई करे, क्या कह रही है, क्या भाई देखो अब देख क्या होएगा। पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं हुआ होगा।